आगामी 10 मार्च को होली का त्यौहार है, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए दंगे के मद्देनजर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके चलते पूर्वी दिल्ली के DCP ऑफिस में भी अमन कमेटी, पीस कमेटी और RWA के साथ पूर्वी दिल्ली DCP जसमीत सिंह ने बैठक की, जिसमें जिले के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और होली के पर्व पर शांति बनी रहे, इस पर चर्चा की। DCP ने अमन कमेटी और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के कार्यकर्ता के साथ बैठक कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, आज जो अमन कमेटी और पीस कमेटी की मीटिंग थी, वो खास करके होली के मद्देनज़र रखी गई थी, और हर साल हम ये मीटिंग करते हैं, तो इस बार भी इनको बताया गया है कि किस तरह से होली पे हमारे इंतजाम रहेंगे, और ये लोग भी हमारे साथ मिलके जो है वो ड्यूटी करते हैं। जो लड़के बच्चे बाइक्स पे निकल के, गाड़ियों पे निकल के इलाके में हुड़दंगबाजी करते हैं, या जो अनविलिंग लोग हैं उनके ऊपर ज़बरदस्ती रंग लगाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन लेंगे। इस तरह के मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ जो हैं वो जब्त कर ली जाती हैं दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर, उनको थाने में जमा कर लिया जाता है और फिर उनको अगले दिन ही छोड़ा जाता है। तो इसमें हमने 144 के ऑर्डर्स भी निकाले हैं, और जो भी इन ऑर्डर्स का उल्लंघन करेगा तो नियमित जो कार्रवाई बनेगी, जो कानूनी कार्रवाई बनेगी, उनके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन भी लेंगे। तो मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ सभी को कि अफवाहों पे कोई भी आप विश्वास ना करें। जो भी कुछ आपके पास कोई जानकारी मिलती है उसको ज़रूर वेरीफाई कर लें, आगे किसी से सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करने से पहले, या किसी और अपने परिवार को किसी को फ़ोन करने से पहले थाने में ज़रूर वेरीफाई कर लें कि भाई इस तरह का कोई इंसिडेंट कोई इलाके में कुछ हुआ है या नहीं, क्योंकि अफवाहों की वजह से ही कई बार जो है माहौल ख़राब हो जाता है। दूसरी बात, होली पे अपने बच्चों को, जो टीनेजर्स हैं, यंग जो बच्चे हैं, उनको आप समझाएं कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर रंग नहीं लगाना है, या नशा करके मोटरसाइकिल्स के ऊपर हमारे जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करते हुए होली का सेलिब्रेशन नहीं करना है, नहीं तो जो लीगल एक्शन है वो हम कड़ाई से लेंगे। DCP ने लोगों से अभी अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले संबंधित थाने से संपर्क कर कंफर्म करें और अफवाहों से बचें। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।